गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका क्या है, इसके तीन पॉइंट्स देख लिए थे। आज जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है मंत्रिमंडल के निर्माण में जातिगत प्रतिनिधित्व। मंत्रिमंडल के निर्माण में जातिगत प्रतिनिधित्व। देखो, जितने भी राजनीतिक दल हैं वो जातीय समीकरणों को अपने पक्ष में बनाए रखने हेतु और बहुमत प्राप्त होने पर सरकार के जो भी जब भी सरकार का निर्माण किया जाता है तो उसके लिए जब वो मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं तो उस समय वो जातीय संतुलन को पूरी तरह से ध्यान में रखते हैं। मतलब कि उनके द्वारा ये ध्यान रखा जाता है कि कौन सी जाति के द्वारा उनको कितने वोट जो हैं वो प्राप्त हो सकते हैं और उसी के आधार पर वो उस जाति के व्यक्ति को मंत्री का पद देते हैं। मतलब कि चुनाव चाहे कोई भी हो, चाहे केंद्र स्तर का चुनाव हो, चाहे राज्य स्तर का चुनाव हो, चाहे स्थानीय स्तर का चुनाव हो, जातिगत लाभ हानि जो है उसको ध्यान में रखा जाता है और फिर मंत्रिमंडल में उसको स्थान दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए आपने किसी जाति के व्यक्ति को कम प्रतिनिधित्व प्रदान किया है तो फिर उसकी आलोचना जो है वो की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है जातिगत दबाव समूह। जातिगत दबाव समूह, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं वो अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। तो जो जातीय संगठन होते हैं वो भी राजनीतिक व्यवस्था जो है उस पर दबाव बनाने के लिए कार्य करते हैं और वो अपने जातीय हित जो है उनके अनुसार निर्णय करने में, या फिर अगर कोई निर्णय जाति के विरुद्ध में जा रहा है तो उसको रोकने के लिए या उसको बदलने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। आरक्षण से क्या होता है, जो वंचित जातियाँ हैं उनका जो उनके संगठन जो है वो क्या करते हैं, आरक्षण जो है उसको बनाए रखने के लिए सरकार जो है उन पर दबाव डालने का प्रयास करते हैं। तो कहने का मतलब है जातिगत दबाव समूह जो है वो अपने हितों को पूरा करवाने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। नेक्स्ट, जाति और प्रशासन। भारत में अगर आप देखेंगे तो जो प्रतिनिधि संस्थाएँ हैं उनमें जातिगत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जैसे अनुसूचित जाति है, जनजाति है या जो पिछड़े वर्ग हैं उनको 27% आरक्षण दिया गया है और स्थानीय स्तर तक के भी जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो जब भी कोई निर्णय लेते हैं तो जो जातिगत नेता है उनसे वो प्रभावित हो जाते हैं। मतलब जब भी कोई निर्णय लिया जाता है तो वो जाति के आधार पर निर्णय लिया जाता है। जाति के आधार पर ही आप देखो कि आरक्षण की मांग भी की जाती है, जैसे कि जो हरियाणा है, गुजरात है, राजस्थान है, इनमें आरक्षण की मांग जो है वो जाति के आधार पर ही की जाती है। नेक्स्ट, राज्य राजनीति में जाति है। अगर आप देखोगे कि अखिल भारतीय राजनीति की बजाय राज्य राजनीति जो है वो बहुत ज़्यादा सक्रिय है। कहने का मतलब ये है कि राज्य के अंदर भी राज्यों के अंदर भी जाति की जो भूमिका है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण रही है। जैसे कि बिहार है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जातिगत प्रभाव जो है वो बहुत अधिक दिखाई देता है। ठीक है, फिर चुनाव प्रचार जो होते हैं उसके अंदर भी जाति का सहारा लिया जाता है। जब भी किसी उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करते हैं तो वो क्या करते हैं, जाति विशेष के नाम पर वोट लेने की कोशिश करते हैं और जो जाति का बड़ा नेता होता है उसको चुनावी प्रचार प्रसार में लगाते हैं जिससे कि उस जाति के व्यक्ति जो है वो उस नेता से प्रभावित होकर के उसको वोट दें। ठीक है, फिर जाति के आधार पर ही राजनीतिक अभिजनों का भी उदय होता है। जैसे जिस जाति के व्यक्ति अगर कोई उच्च पद पर पहुंच गए हैं या फिर कोई अच्छा स्थान उन्होंने प्राप्त कर लिया है तो वो क्या करते हैं, वो जातिवाद को भूलते नहीं, अपनी जाति को भूलते नहीं और उच्च पद पर बैठ करके प्रत्यक्ष तरीके से या अप्रत्यक्ष तरीके से उसको लाभ पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखो इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं जातिवाद के। जैसे कि जाति जो है वो एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करती है। दूर दूर रहने वाले जो लोग होते हैं अलग एक ही जाति के, वो जब भी जाति पंचायत होती है तो वो एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। ठीक है ना,
और जाति की एकता जो है उसको बनाए रखने का प्रयास करते हैं। तो एक प्रकार से जाति जो है वो एकता को बढ़ाने में सहयोग देती है। दूसरा, कई बार इससे क्या होता है, लोगों में सक्रियता की भावना भी पैदा होती है। जाति में वो अपना दबदबा कायम करने के लिए या अपने हितों की रक्षा करने के लिए राजनीति के अंतर्गत सक्रिय हो जाते हैं। फिर कई बार ऐसा होता है कि जातिवाद के कारण से जो जातियां पहले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ी भी थी, वो जातियां जो हैं जिनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, वो भी इस भावना के कारण से उनमें राजनीतिक जागरूकता जो है वो आई है और उनकी सहभागिता बढ़ी है। फिर आज जातिवाद जो है वो आप देखोगे थोड़ा बहुत क्षीण ज़रूर हुआ है, जैसे कि अलग अलग जो उच्च जातियों के लोग हैं उनका खान पान, रहन सहन, पहनावा जो है उनको अपना लिया है नीची जाति के व्यक्ति ने। तो आज ऊंची और नीचे जाति के बीच में अगर आप सांस्कृतिक आधार पर कोई अंतर करना चाहें तो वो इतना दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव हैं। आगे जो इसके नकारात्मक प्रभाव हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझाऊंगी। थैंक यू।